शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का पाठ अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, क्या होता है अव्यय? ए प्लस व्यय, ए का अर्थ होता है न और व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, जो खर्च ना हो। अव्यय का अर्थ है जो खर्च ना हो, अर्थात जिसका कभी खर्च ना हो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यय किसको कहते हैं, जिस पद में किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता, अर्थात पद में न ही कुछ जुड़ता है और न ही उसमें कुछ कम होता है, उस पद को अव्यय कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से रखते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। उसके बाद है विकारी शब्द। विकारी अर्थात अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, और एक और क्या है, विस्मय आदि बोधक। अब हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो अब अव्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। जो शब्द तीनों लिंगों, संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें बताया गया है कि जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, वचन भी तीन प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तथा सभी विभक्तियों में, विभक्तियां कारक वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होंगी, सात विभक्तियां होती हैं, तो वो सभी विभक्तियों में समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं, जो ना तो लिंगों में चेंज होते हैं, ना वचन में और ना ही विभक्तियों में, वे सभी जो के त्यों अपना जो रूप है उसी में रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। एक संस्कृत में श्लोक है अव्यय के लिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद्वयम्। अर्थात सदृश, सदृश का अर्थ है समान, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, सर्वासु च और सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सभी वचनों में, सर्वेषु यन वेति तद्वयम् अव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में समान रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद है संस्कृत में कुछ अव्यय हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत वाक्यों में बहुतायात मात्रा में करते हैं। वैसे तो संस्कृत में अव्यय बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रचलित अव्ययों को पढ़ेंगे। जैसे पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर, हिंदी में अर्थ होता है फिर, और इसका इसका वाक्य में प्रयोग होगा स पुनः अवदत्। स का अर्थ होता है वह, वह पुनः स पुनः अवदत्, वह फिर बोला। तो इस वाक्य में कौन सा है अव्यय शब्द? पुनः। इसके बाद है उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है जोर से। जैसे बधिर उच्चई वदती, बधिर होता है बहरा, बधिर उच्चई वदती। तो इस वाक्य में क्या है? ये उच्चई है, ये अव्यय है। इसके बाद है नीचई, नीचई होता है नीचे की ओर। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो
जलम सर्वदा नीचे ही वहति, जल हमेशा नीचे ही बहता है। जलम सर्वदा नीचे ही वहति, तो इस वाक्य में सर्वदा है ये और नीचे ही, ये दोनों क्या हैं, अव्यय हैं। इसके बाद है शनई, शनई का अर्थ होता है धीरे। देव शनई लिखती, देव धीरे लिखता है, देव शनई लिखती। तो इस वाक्य में शनई है ये अव्यय शब्द है। उसके बाद है इव, इव का अर्थ होता है के समान। इसमें है ईश्वर इव कह रख सके, ईश्वर के समान कौन रख सक है, ईश्वर इव कह रख सके। तो इस वाक्य में इव है ये अव्यय है। इसके बाद है अध्य, अध्य का अर्थ होता है आज, आज। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे अध्य विद्यालय अवकाश अस्ति, आज विद्यालय में छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। अवकाश अस्ति, आज विद्यालय में छुट्टी है, और इसमें ये अव्यय है। इसके बाद है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। जब तक हम हिंदी में वर्ड मीनिंग को नहीं जानेंगे तब तक हम संस्कृत नहीं बना सकते, इसलिए हिंदी साथ में लिखी जा रही है, आप नोट कर लेना। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे राम है शैशवात अत्र वस्ति, शैशवात होता है बचपन, अत्र वस्ती। इस वाक्य में अत्र क्या है, अव्यय है, और इसकी हिंदी क्या आएगी कि राम बचपन से ही यहाँ रहता है। फिर है अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, काफी या पर्याप्त। इसका हम संस्कृत इसकी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अलम मलो मल्लाए, अलम होता है पर्याप्त, अलम मल्लो होता है पहलवान, मल्लो मल्लाए, तो हिंदी क्या आ जाएगी इसकी कि यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है। और ये क्या है, इसमें अलम क्या है, अव्यय शब्द है। इसी प्रकार से आगे देखिए बही, बही का अर्थ होता है बाहर। वाक्य में प्रयोग करेंगे नगराद, नगराद होता है नगर से, पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बही नदी बहती, नगर से बाहर नदी बहती है, तो इसमें बही क्या है, अव्यय शब्द है। उसके बाद है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। जब आप संस्कृत में क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन का निर्माण कर रहे थे, तब काफ़ी बार आपने कुत्र का प्रयोग किया है, क्वेश्चन आंसर में भी आया होगा, वैसे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं उनमें भी आपने देखा होगा कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और कुत्र का वैसे क्या है, ये भी एक अव्यय शब्द है। तो इसका हिंदी में, संस्कृत में करेंगे त्वम कुत्र गस्सी, त्वम कुत्र गस्सी, त्वम कुत्र गस्सी। तो इसमें कुत्र क्या है,
अव्यय शब्द है, इसके बाद है सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। संस्कृत बनाएंगे सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो, सच्चाई बोलो। इसके बाद है अपि, अपि का अर्थ होता है भी। इसका इसकी संस्कृत बनाएंगे तत्र, तत्र अहम अपि, तत्र अहम अपि गमिष्यामि, वहां पर मैं भी जाऊंगा। यहाँ देखिए इसमें अपि, इस अहम प्लस अपि है, इसमें अपि भी क्या है, अव्यय है, और ये तत्र, जैसा कि हमने अत्र पढ़ा है वैसे ही तत्र भी क्या है, अव्यय शब्द है। फिर है सर्वत्र, सर्वत्र होता है सब जगह। इसकी संस्कृत आएगी ईश्वर, सर्वत्र अस्ति, भगवान सब जगह है। तो यहाँ सर्वत्र क्या है, अव्यय है। इसके बाद है नक्तम, नक्तम होता है रात को। वर्ड मीनिंग क्या आएगा नक्तम का, रात को। नक्तम दधि न भुंजिते, रात को दही नहीं खाना चाहिए। नक्तम दधि न भुंजिते, रात को दही नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ नक्तम क्या है, अव्यय है। शीघ्रम होता है जल्दी। इसकी संस्कृत बनाएंगे तो बनाएंगे शीघ्रम गच, जल्दी जाओ। तो क्या बोलेंगे, शीघ्रम गच, और ये शीघ्रम क्या है, इसमें अव्यय है। इसके बाद है दीवा, दीवा होता है दिन में। संस्कृत आएगी स दीवा क्रीडति, वह दिन में खेलता है। तो सभी बच्चे दिन में ही खेलते होंगे। स दीवा क्रीडति, इसके बाद है इसमें दीवा क्या आ जाएगा, अव्यय शब्द आ जाएगा। फिर है परस्व, परस्व होता है परसों। एक कल है, उसके बाद जो दिन आएगा उसको हम बोलेंगे परसों। तो क्या लिखेंगे परसों का, संस्कृत कैसे बनाएंगे, एक वाक्य बनाते हैं संस्कृत का। स परस्व आगमिष्यति, आगमिष्यति, इसके बाद है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अव्यय शब्द कैसे आते हैं। तो पेपर में या फिर कहीं भी आपको अव्यय शब्द मिलते हैं तो ऐसे मिलेंगे, जैसे ये दे रखे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थान दे रखे हैं, मंजूषा दे रखा है, मंजूषा होता है हेल्प बॉक्स की। जैसे ये 5-6 वर्ड दे रखे हैं, 6-7, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा आएगा अव्यय, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं जब आपके आगे पेपर वगैरह में आते हैं अव्यय शब्द। तो देखो सर्प कोटरात आगच्छति, सर्प होता है सांप, कोटरात कोटर से एक बिल से, ठीक है। आगच्छति आता है, आया। देखो सर्प कोटरात आगच्छति, सांप बिल से आया। कहाँ, क्या अंदर आया या बाहर आया, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ सह है, फिर है सनई, फिर है पूरा, स्व बही उच्चई। एक बार मैं इनके सबके आपको मीनिंग बता देती हूँ। सह होता है साथ, सनई होता है धीरे, हय होता है बीता हुआ कल, और पूरा होता है पहले, और स्व होता है आने वाला कल, बही होता है बाहर, और उच्चई होता है जोर से। तो सांप कहाँ से, बिल से बाहर आया, तो क्या लिख देंगे हम इसमें, बही। इसके बाद है कोलाहलम श्रुत्वा सिंह गरजति,
शोर सुनकर शेर गरजा के, कैसी आवाज में गरजता है शेर? ये तो कहावत है शेर ऊंची आवाज में गरजता है, तो क्या लिख देंगे हम इसमें? अव्यय शब्द क्या आ जाएगा इसमें? ऊंचाई। इसके बाद है अहम अपि तव्या खालिस्तान पठिष्यामि, मैं भी तुम्हारे खालिस्तान पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा? साथ पढ़ता होगा, तो क्या लिख देंगे हम इसमें? सह, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। इसके बाद है खालिस्तान कालिदास है नाम के महाकवि अभवत, अभवत है देखो यहाँ ये लंग लकार में है अर्थात भूतकाल में है, तो कालिदास थे वो महाकवि थे, कब थे? पूरा पहले थे, तो इसमें हम अव्यय शब्द क्या लगाएंगे? पूरा। इसके बाद है अहम मातुलस्य, अहम खालिस्तान मातुलस्य गृहं गमिष्यामि, मैं अहम का अर्थ होता है मैं, मातुलस्य मामा के गृहं घर गमिष्यामि जाऊंगा, मैं मामा के घर जाऊंगा। कब जाएगा? तो ये चार तो हमने इसमें भर रखे हैं, तो ये तीन ही बाकी रहते हैं, तो ऊंचाई भी भर दिया, स्व और बही रहता है, तो स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और गमिष्यामि क्या है? भविष्यत काल की धातु है, लरिट लकार में गमिष्यति होता, गमिष्यति गमिष्यत है गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत है गमिष्यत है, तो गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम है, तो यहाँ गमिष्यामि आया हुआ है, ये क्या है? लरिट लकार है, तो जाहिर सी बात है भविष्यत काल में बात हो रही है, तो स्व होता है आने वाला कल, तो और हय हम इसमें भर नहीं सकते क्योंकि ये हय भूतकाल के लिए प्रयोग होता है और भविष्यत काल के लिए स्व का प्रयोग करते हैं, तो स्व होता है आने वाला कल, यहाँ हम स्व लिखेंगे। इसके बाद है विद्यालय खालिस्तान अवकाश है आसित, तो यहाँ देखो विद्यालय खालिस्तान अवकाश है आसित, विद्यालय में अवकाश था, कब था? कल था, तो कल के लिए हम अब यहाँ हाय भरेंगे क्योंकि ये आशीत है, ये भूतकाल है और भूतकाल के लिए हम मैंने पहले ही बताया था आपको हाय आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये ऐसे करना है आपको, या फिर है ऐसे भी लिख सकते हैं, है आधा होता है हाय शब्द में, इसलिए इसका आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये अव्यय शब्द आते हैं, आपने संस्कृत में काफ़ी चैप्टर पढ़े हैं, सब में हर चैप्टर में अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन ये कुछ अलग से बताए हैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अव्यय शब्द होते क्या हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम संस्कृत में अव्यय के रूप में करते हैं, कुछ और उदाहरण बताती हूँ आपको मैं, जैसे सायम है, सायम होता है सायंकाल, बालका सायम क्रीडन्ति, बच्चे शाम को खेलते हैं, तो क्या लिख देंगे? बालका सायम क्रीडन्ति, तो सायम अव्यय शब्द है, इसका प्रयोग हुआ है। फिर है चीरम, चीरम होता है देर तक, छात्र रात्रौ चीरम पढ़ती, छात्र रात को देर तक पढ़ता है, तो रात्रौ चीरम पढ़ती। इसी प्रकार से देखो ईषत, ईषत होता है थोड़ा, ईषत भोजनम लाभप्रदम भवति, थोड़ा भोजन लाभदायक होता है। तूष्णिम, तूष्णिम का अर्थ होता है चुप, तूष्णिम भाव चुप हो जाओ। सहसा, सहसा होता है अचानक, सहसा कार्यम न कुरियात, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। मिथ्या, मिथ्या होती है झूठ, मिथ्या न वद झूठ मत बोलो। इस प्रकार से ऐसे अनेक वाक्य हैं जो अव्यय शब्द कहलाते हैं, इनका किसी भी लिंग में, वचन में या विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपने ज्यों के त्यों रूप में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई भी संस्कृत से संबंधित समस्या है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।